अच्छा अब ये देख, हम आते हैं इस क्रोम पे। अच्छा ये चक्कर, अब ये मैंने किया था, इसको इसको भी ओपन करना है और साथ में फोन नंबर भी क्या करना है तुमने उठा लेना है। एक तो वेबसाइट को ओपन कर लेना है, सेकंड फोन नंबर, इसमें कंट्रोल एफ करके कंट्रोल वी के साथ क्या करना है फोन नंबर चेक कर लेना है। अगर ये हो जाता, ये हो जाता है मैच। अब ये देखो ये वाला, शुक्रिया अलहमदुल्ला। ये देख ये मैच हो गया, तो तुमने क्या करना है, पहले इंस्ट्रूमेंट अभी हुई थी ना उसकी जगह पे पेस्ट कर देना तुमने ये वाली वेबसाइट, ये हमारी ओके हो गई। नेक्स्ट तुमने करनी है इसको ओपन, जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये मानता पे चली जाती है डायरेक्ट। तुमने क्या करना है, इसका फोन नंबर उठाना है, फोन नंबर उठाने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेना है खुद से। अब जैसे ही हम फोन नंबर पे यहाँ पे सर्च करते हैं, एक ये हमारे पास ओपन हो गई है। अच्छा उसके साथ जैसे ये है, इसको ओपन करके देख लेना, इसको ओपन कर लेना, इसको ओपन कर लेना। और अक्सर की मैं तुम्हें बता रही थी कि ये वाली जो डेटाबेस है ये ओपन तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट वगैरह ओपन हो जाती है, तो इसको भी देख लेना तुमने। यहाँ पे इसने कहा है कि इसके पास वेबसाइट ही नहीं है, सिल्वर स्टेट कोच देखने, देखिए इसके पास वेबसाइट है कि नहीं है। इसके पास भी वेबसाइट नहीं है, ये देख यहाँ पे भी वेबसाइट क्या है, सेम पड़ी है। अब तुमने क्या करना है, ये वाली वेबसाइट उठानी है, इस वेबसाइट को उठा के कहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे, सही है। उसके बाद यहाँ से हमने उठाई है ना, और ये आ जाएगा सिल्वर स्टेट, इसका नाम, कंपनी का नाम, क्योंकि ये वेबसाइट जब हम यहाँ पे करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो वो चेंज हो जाती है। कि ये वेबसाइट ना, हम यहाँ से तुम्हें मैं करके दिखा देती हूँ, यहाँ से ही ओपन करके दिखा देती हूँ। अब ये देखना, ये डिवाइवर प्रोवाइडर के नाम से आ गई है। अब तुमने इस कहाँ से उठाई थी, यहाँ से, ये जो लिंक है ना, ये कहाँ पे पेस्ट कर देना है साथ में, यहाँ पे। आ गई समझ चीज की, एक ये चीज न्यू डाल देनी है, एक यहाँ पे इसका डाल देना है, वो जो है ना इसका डेटाबेस का लिंक। अब इसमें क्या है कि जब ये ओपन करते हैं तो हमारे पास ओपन होती है ये, कि ये आ जाती है, उसका नाम ही चेंज हो जाता है, कभी डायरेक्ट हो जाती है। इसको तुमने डालना है यहाँ पे, यहाँ से कॉपी करके, इस यहाँ से कॉपी करके तुमने डालना है यहाँ पे, और सेकंड तुमने इसका नाम को वो कर लेना है कि यहाँ पे नाम न्यू डाल देना, जो यहाँ पे नाम होगा यही जो है, और डेटाबेस का लिंक, एक ये चीज करनी है। सेकंड तुमने क्या करना है कि जैसे ये वाली वेबसाइट है, सपोज ये ओपन नहीं होती या हो जाती है, ये क्या है, इसको चेक करते हैं, इस वेबसाइट को, ये भी ओपन हो गई है। अब हम इसका ना फोन नंबर मैच करते हैं कि मैच होता है कि नहीं होता, यहाँ पे करके देख लेते हैं, उसके साथ यहाँ पे भी सर्च करते हैं कि फोन नंबर वाली यही वेबसाइट आती है या कोई और आती है। ये देख यही वेबसाइट है ना, कॉन्टेक्ट में भरा हुआ है फोन नंबर, इसका ये वाला पैटर्न भी चेंज है। ये देखो मैच हो गया, और यही कॉपी करना है लिंक, इस कॉपी करके लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना, इसको भी पेस्ट करना, और सेम इसके नीचे भी यही पेस्ट करना है, क्योंकि ये दोनों वेबसाइट के आए, और यहाँ पे तुमने डुप्लीकेट भी मेंशन करना है, ये डुप्लीकेट कंपनी है। डेटा भी डालना है, डेटा उबाना नहीं है। अच्छा एक जैसे मैं सपोज इसका मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये वाली जो है, अब जैसे कोई डेटाबेस के लिंक है, कि जैसे ये डेटाबेस का लिंक है, इसका ये नाम पता हुआ है, यहाँ से हम क्या करते हैं फोन नंबर मैच करते हैं, फोन नंबर मैच हो गया, इसका ये लीगल नाम उठाते हैं। यहाँ पे तो तुमने ये नाम डाला है ना, ये नाम जिस बंदे ने डाला है, तुमने इसको क्या करवाना है, गूगल पे सर्च,
इको वाइड के नाम से फर्स्ट पे ही आ गई है। अब इसका चेक कर लेना कि ये वाकई, ये देखो ये ट्रांसपोर्ट की ही है। इसको तुमने यहाँ पे ऐड कर देना है, इसकी जगह पे, चाहे फोन नंबर मैच हो या ना हो, इसको तुमने यहाँ पे ऐड कर देना है। आ गई समझ? सेकंड, जो वेबसाइट ओपन हो, मैं किसी और की दिखा देती हूँ। जैसे ये वाली वेबसाइट है, यहाँ पे देखो, अब ये वेबसाइट है, ये ओपन नहीं होती, या ये ओपन ही नहीं होती। अब इस वेबसाइट को तुमने यहाँ पे भी डालना है, इस नाम को, और यहाँ जहां से तुमने वेबसाइट उठानी है उस डेटाबेस का लिंक यहाँ पे डाल देना है, न्यू कंपनी का नेम और वेबसाइट यहाँ पे। अब जैसे ये है, जैसे वो तुम्हारे सामने मैंने अभी की है, अभी डिटेक्ट हुई थी, उसको भी मैंने ऐसे किया था। अगर किसी डेटाबेस से उठाओ, वेबसाइट ओपन हो जाए, सेम नाम पे फोन नंबर मैच ना हो, तो उसको तुमने ऐड कर देना है। जैसे ये वाली है, ये वेब इससे मिली है, डेटाबेस से ही मिली है, लेकिन इसके अंदर फोन नंबर मैच नहीं होता, कंपनी ये बिल्कुल ओके है, और इसके अंदर जो फोन नंबर है वो भी मैच नहीं होता। तो मैंने इसको यहाँ पे ही डाला है, इसको न्यू टैब पे लेके नहीं जाना। दो चीजें यहाँ पे करनी है, एक वो जो भी डिफेक्ट होती है, कि मतलब जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं वो ना, जैसे अब है सपोज कर रहे हैं कि मेरे नाम की, सबा के नाम से वेबसाइट बनी हुई है, यहाँ पे नेम शो होता है सबा का, जब हम इसको ओपन करते हैं तो वो सपोज चली जाती है मुनीर के नाम से चली जाती है, या वाना के नाम से चली जाती है, वो मेरी वेबसाइट क्या हो गई, सबा के नाम की तो शो होती है, लेकिन रीडायरेक्ट होके किसी और नाम पे चली जाती है। उसका नाम और वेबसाइट यहाँ पे करनी है, और जहां से उस वेबसाइट को उठाना है उसको यहाँ पे डाल देना है। वेबसाइट को ओपन करके नहीं डालना, जो डेटाबेस के अंदर नाम दिया है ना उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। सही हो गया। और दूसरी ये कि जो वेबसाइट में जिस पे आता है 403 का एरर आ जाता है, या वो कहते हैं कि ये आपकी वेबसाइट ओपन ही नहीं होती, उसको तुमने कहाँ पे डालना है, जैसे ये है, ये वाली वेबसाइट है, जैसे ये ऐसे एरर आ जाता है, उसको भी तुमने नेक्स्ट यहाँ पे डाल देना है वेबसाइट, और यहाँ पे उसका नेम, और यहाँ पे तुमने डाल देनी है इसका नेम, वो क्या कहते हैं उसको, डेटाबेस का लिंक, वेबसाइट कंपनी का नेम और यहाँ पे डेटाबेस का लिंक, ये चीजें करनी है। इस टैब पे एक तो जो ओपन नहीं होगी वो हो गई, सेकंड कौन सी के ना, जो वो होती है जो रीडायरेक्ट हो जाती है, दो चीजें डालनी है। और जैसे ये है कि मैंने तुम्हें अभी करके दिखाया है, जिसका हमने नाम ढूंढा है, ये वाली वेबसाइट का, इसको तुमने कहाँ पे ऐड करना था, वही नीचे जो तुम्हारी 3000 वाली है, कि कुछ डेटाबेसेस के लिंक तो डले हुए हैं और ना वो वेबसाइट के नेम भी हैं, उनको तुमने गूगल सर्च करवा लेना है, बिल्कुल सेम की सेम है, उसमें कोई 19-20 का भी फर्क नहीं होना चाहिए। और जो तुम न्यू डेटा ऐड करती जाओ उसको क्या करना, कि मतलब येलो ही करती जाना, ये इसको एक बार ना ओके कर देना है। ये जैसे है, मैंने अभी ही तुम्हारी निकाली थी, इको के नाम से थी। अब ये देखो, ये मैंने डाल दिया, इसको ना एक बार देख लेना, ये वाली। अब यहाँ पे पहले क्या था, डेटाबेस था, डेटाबेस को मैंने चेंज करके यहाँ पे क्या ना वो कर दिया, पुटअप वेबसाइट कर दिया, उस डेटाबेस के नाम को उठा के मैंने गूगल सर्च करवाया है, मुझे वेबसाइट मिल गई है, तो मैंने यहाँ पे डाल दी। अब एक बार करके देखो, समझ नहीं आती।